हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंच इकॉम। माय नेम इज अल्बर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो में उम्मीद करता हूं जिन्होंने CO2 लेजर कटिंग मशीन बिग साइज, जो बेड साइज 3.3x3x4 फीट वाला जो रिव्यू वीडियो बनाया था, मैं उम्मीद करता हूं उसमें आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। जो इंटरेस्टेड अगर ऑनलाइन पे नहीं भी हैं, फिर भी ऑफलाइन में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा डिमांड है, जैसे कि मैंने मंदिर का जो जाली बताया था, और कुछ ऐसे होम डेकोरेशन के जो आइटम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बनाया जा सकता है। उसके डिटेल्स में मैंने जो कुछ चीजें बताया था, जो प्रोडक्ट्स का इमेज वगैरह बताया हुआ था, तो उसमें डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं। और अगर आप उसको खरीदने से पहले क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो डेफिनेटली आप इनका जो सेल कर सकते हैं, और लेकिन ऑफलाइन में भी अच्छा सेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे अच्छा डिमांड है इन प्रोडक्ट्स का, इस जो CO2 लेजर कटिंग मशीन से बने हुए प्रोडक्ट, यानी कि जो बड़े साइज का। जो छोटे CO2 लेजर कटिंग मशीन है वो तो जनरली जो मोबाइल एक्सेसरीज के जो काम में जो आते हैं, लेकिन उससे भी आप और अदर होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशली है आपका जो होम डेकोरेशन के रिलेटेड जो आइटम्स है, बड़े आइटम्स है, उनको अच्छे से बना सकते हैं, थोड़ा सा फास्टर है, स्मूथ है, लेकिन फिर भी उसको यूज करने से पहले, यानी कि परचेस करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सोचा कि बता दूं, जिससे कि आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। तो सबसे पहली बात, ये जो मशीन है 3x4 फीट बेड साइज है, इसमें पहली बात तो है बजट। अगर जो और अदर CO2 लेजर कटिंग मशीन की बात करें तो जैसे कि 50 वाट का लगभग 60-70 हजार के आसपास का, उससे थोड़ा सा बड़ा अगर देखें तो 85 हजार के आसपास का बेस्ट सर्विस वालों का है, लेकिन उससे बड़ा भी है ये आपका जो 3x4 फीट। तो इसका जो एक पहला जो है कि लगभग जो 3.5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास तक का, डिपेंडिंग अपन जो पावर, जैसे कि 50 वॉट में भी साइज अलग अलग होता है, राइट। सो उसी तरीके इसमें अलग अलग जो पावर के हैं, इसमें आपकी चॉइस से आप ले सकते हैं, लेकिन वो जितने भी मशीन हैं 3x4 फीट जो बेड साइज है, सारे से ही आप सेम काम यूज कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 से 6 mm तक इजिली कट कर सकते हैं। सो यस, एक बजट एक चीज है। दूसरी चीज अब बात करते हैं जो इसमें, जैसे कि छोटे CO2 लेजर कटिंग मशीन जब आप लेते हैं, इसमें क्या है कि इनके साथ जो सॉफ्टवेयर है, जो यानी कि मोबाइल एक्सेसरीज बनाने के लिए या फिर छोटे डिजाइन जो है उनको ऑलरेडी, जैसे कि बेस्ट सर्विस या फिर और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो देते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ डिजाइन देते हैं, लेकिन ये जो बड़ी मशीन है जो मैंने पता करा था, जो यूजर ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी इसको यूज कर, उसमें सीन क्या है कि केवल मशीन देते हैं, इसमें मशीन के अलावे और कुछ भी नहीं है। इसमें काम कैसे करता है, अगर आपको कोरल ड्रो का अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि कोरल ड्रो अगर नहीं आता है तो कैसे करें। सो इसके रिलेटेड और थोड़ा सा हिंट बता दूं कि इस तरीके के, अगर आप, होता क्या है, अगर आप जिस बिजनेस में घुस जाते हैं उसमें आप थोड़ा सा और भी रिसर्च करते हैं तो कुछ जॉब इजी होता चला जाता है। इसमें क्या है कि अगर आपको कोरल ड्रो नहीं आता है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोरल ड्रो अगर नहीं आता है तो आप इस मशीन को ना लें, क्योंकि इस मशीन के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड होता। तो सोचते होंगे कि ये मशीन फिर काम कैसे करता है, तो ये जो 3x4 जो 3x4 फीट वाला जो CO2 लेजर कटिंग मशीन है, इसमें जैसे कि एक जो आपका जो कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर और प्रिंटर के तरफ ही के जैसे ही मान लीजिए, जैसे आप अपने लैपटॉप से प्रिंट देते हैं, प्रिंटर में प्रिंट कर देते, तो वैसे ही एग्जैक्टली सेम काम करता है। इसमें आप कोरल ड्रो में कुछ भी बनाएं और उसको आप कमांड देते हैं, इनग्रेविंग या कटिंग जो भी, वो वैसे ही काम कर जाता है। सो उसमें इस तरीके का जो फीचर्स है, सो उसमें अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो यस, इसको कंसिडर आपको करना चाहिए कि अगर आपको, आपके पास जो कोरल ड्रो का नॉलेज है या फिर नहीं है, तो बेस्ड ऑन दैट ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा जो पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके पास
जो कोरल ड्रॉ का नॉलेज नहीं है तो इसको डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होगा इसको मैनेज करने के लिए। यस, इसका दूसरा ऑप्शन है, आप डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर बजट है तो एक बंदे को हायर कर सकते हैं इसको डिजाइन करने के लिए। या फिर एक तरीका ये है कि एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट से बात करी इसके जो डिजाइन के रिलेटेड, हालांकि मैं इस पे मैं भी बातें कर रहा हूं कुछ लोगों से कि जो इस तरीके के जो डिजाइन है अगर कोई बना करके सेल कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं कोरल ड्रॉ के एक्सपर्ट्स जो इस तरीके के डिजाइन इनफैक्ट बनाते भी हैं। इनफैक्ट मैंने गूगल में सर्च करने की कोशिश करी, इस तरीके के डिजाइन सेल्स भी होते हैं, इवन यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जो इस तरीके के डिजाइन सेल करते हैं। तो यस, उस तरीके का भी एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप इस तरीके के डिजाइन जो बनाते हैं उनको आप कंसल्ट करिए, अगर वहां से अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, अगर आपका जो बजट अलाउ करता है परचेस करने में, क्योंकि 1500 में एक एक डिजाइन मिल जाता है, और एक एक डिजाइन अगर अच्छा आप 1000 या 500 रुपए में लेते हैं तो बुरा नहीं है, क्योंकि इस तरीके का डिजाइन का जो डिमांड है प्रोडक्ट है बहुत अच्छा डिमांड है। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि यस इससे निकाला जा सकता है जो आपकी अर्निंग हो सकता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज में ऑनलाइन के रिलेटेड मैंने डेफिनेटली बताया, एक आपको याद होगा जो उस वीडियो का जिसमें मैंने जो होम टेम्पल का मैंने दिखाया था, एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसमें विथाउट एनी एडवर्टीजमेंट, उसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं था, विथाउट एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा खासा ऑर्डर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सकता है कि इस तरीके का टेम्पल अगर आप बनाते हैं तो क्या डिमांड है। और बाकी जो होम डेकोरेशन के रिलेटेड मैंने जो एक इससे दूसरा या तीसरा पहले वीडियो जो है उसमें मैंने होम डेकोरेशन के रिलेटेड कुछ आइटम्स का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें क्या डिमांड है। और ऑफलाइन की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा खासा डिमांड है इन सारे प्रोडक्ट्स का, जैसे कि जो आपका जो मंडला बोलता हूं या फिर होम डेकोरेशन के लिए कई आइटम्स बनाए जा सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही आइटम बनाए जो जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि होम डेकोरेशन के रिलेटेड आप कई जगह पे जो जो छोटा सा टेबल होता है या फिर इसके रिलेटेड कई सारे जो होम डेकोरेशन के रिलेटेड डिजाइन होते हैं या स्टैंड पे फोटो फ्रेम टाइप का ऐसा कुछ बना सकते हैं, डेफिनेटली इस तरीके के जो प्रोडक्ट का डेफिनेटली एक अच्छा डिमांड है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप इस तरीके का CO2 लेजर कटिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पहला आपका जो बजट है, दूसरा आपका जो इसमें सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आता है तो मेक श्योर आपको कोरल ड्रॉ आता है, अगर आपको कोरल ड्रॉ आता है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, यानी कि डिजाइन वगैरह अगर आप आउटसोर्स कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो बना के दे सकता है तो डेफिनेटली उस तरीके पे यूज कर सकते हैं। सो इसी तरीके के जो एनालिसिस है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के रिलेटेड, ऐसे क्या क्या मशीन है या क्या क्या ऐसी चीजें प्रोडक्ट हैं जो अच्छा डिमांड है, उन्हीं के रिलेटेड मैं एनालिसिस बनाता रहता हूं। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि जो CO2 लेजर कटिंग मशीन से कई बने प्रोडक्ट उनका क्या डिमांड है, या फिर और ऐसे प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनसे पहले अगर एनालिसिस अगर देख लें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या डिमांड है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो एटलीस्ट उस टारगेट को लेकर के आप एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर एक अगला बंदा एन नंबर ऑफ जो ऑर्डर पा सकता है तो एटलीस्ट उसका आप 40-50% भी अगर आप ट्राई करें तो कुछ ना कुछ हद तक डेफिनेटली आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर मतलब विदाउट एनालिसिस का कुछ भी आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना शुरू करें, उससे पहले अगर एक आप अपना बजट यानी कि कैपिटल क्या है और प्लस उसमें आपकी अर्निंग का जो टारगेट क्या है उस चीज को लेकर के डिमांड और जो डिमांड और ऑर्डर का जो डिटेल देखते हुए आपको आइडिया लग पाएगा कि यस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप सेल करें तो कितना ऑर्डर आ सकता है, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इन इस टाइप के जो वीडियोस हैं आपको हेल्प करेंगे। इसी तरीके में प्लानिंग कर रहा हूं आगामी दिनों में और एक CO2 लेजर कटिंग मशीन है जी जो हमारे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन करा था, सो उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा एक जो जानकारी इकट्ठा करके मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को हिट जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब भी किया है और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं करा है तो बेल आइकन को हिट जरूर करें, अगर बेल आइकन को हिट करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।